अब यू मी ऑन टीवी पहुंच गया है एक्टर कृप सूरी के घर, जहां बप्पा की सेवा में ये भी लीन होते हुए दिखाई दिए हैं, और वो भी पूरे परिवार के साथ। आइए आपको भी दिखाते हैं कृप के यहाँ कैसे हो रही है बप्पा की पूजा अर्चना। मंगल गणेश के गणपति स्पेशल सेगमेंट में आज हम पहुंच गए हैं एक्टर कृप कपूर सूरी के घर। मंगल मूर्ति गणेश की कृप सूरी भी कर रहे हैं सेवा, और वो भी अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ। देखिए, बप्पा के लिए कृप की पूरी फैमिली की श्रद्धा ही निराली है। बप्पा की भक्ति में पूरा परिवार डूबा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कृप से। कृप, आप ही बताइए कि आप इस बार गणपति बप्पा को घर लाए हैं तो कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं? पॉजिटिव पर्सन मैं, बहुत ही अपनी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और घर तो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर घर के लोग पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहेगा। और रही बात, हाँ, जब यहाँ पे मंत्र जाप होता है तो वो अपने आप में एक अलग लेवल हो जाता है। अभी सामने देखो कितना पॉजिटिव एनवायरमेंट है, सामने वो बुद्धा की मूर्ति है, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, सो वेरी पॉजिटिव चीजें हैं। सो और भगवान की मूर्ति तो बाहुबली गणपति ने सिलेक्ट किया था गणपति सबका अपने अपने होते हैं ना, हर कोई कहते हैं मेरे गणपति। ये इसको पर्टिकुलरली उठाना है विसर्जन के दिन और खुद विसर्जित करना है, इसीलिए वो लेकर आएंगे। ये बताइए कि डेकोरेशन में किसका हाथ है, क्योंकि बप्पा के मंडप के लिए की गई डेकोरेशन वाकई बहुत अच्छी है। सजावट तो आयरा की मम्मा ने की है, तो ये पूरा उसने रात को 2:30 बजे तक बैठ के किया। मुझे याद है जब मैं शूटिंग से आता था तो भाभी मेरी बैठ के ना, और मैंने भी रात में डेकोरेशन किया है। आयरा ने भी डेकोरेट किया है, और कुछ नहीं, गणपति बापा आते हैं, हम उनको 2 टाइम आरती करते हैं और भोग चढ़ाते हैं, बस यही है, वो बैठे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, बस यही चाहते हैं। इस मौके पर कृप के घर उनके इंडस्ट्री फ्रेंड्स भी आए थे, आफ्टर ऑल बप्पा का आशीर्वाद तो सबको चाहिए ना। माय नॉट फ्रेंड, जैसे उन्होंने बोला, दोस्त हमारे कम है, भाई ज्यादा है, मदर फ्रॉम अनदर मदर। पंजाब में तू पैदा हो गया, मैं दिल्ली में, मैं पंजाब हूं, पर मैं पंजाब से पैदा हुआ, दिल्ली से पैदा हुआ, बाकी बस बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। एंड एक ऐसे हो गया, किस्मत में था, मैंने फोन किया कि भाई नहीं शूट कर रहा तो मैं आ रहा हूँ, तो उसने बोला आ जाओ, और मैंने आरती अटेंड करी, और फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी भी पहली आरती है, तो साथ में लिखी थी और बहुत मजा आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूंगा कि इस त्योहार से पहले पहले मेरा एक पहली बात तो एक नया शो जो है ऑनियर हुआ है, जीत गए द पीएम रेस, सो प्लीज डू वॉच इट, एंड जितना प्यार आप लोगों ने अभी तक दिया है मेरे सारे शोज को, उतना ही हुआ है, उससे कहीं ज्यादा और प्यार अगर आप लोग देंगे तो मैं बहुत ही बहुत आभारी रहूंगा, और बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, तो मैं उनसे दुआ करूंगा कि आप सब लोग घर पे ढेर सारी खुशियां भी आए जैसे मेरे घर पे इनके आने से पहले आई। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड दैट्स इट, और गणपति पापा बोल जोर से बोला, जोर से रुको, अरे रुक, नीचे बढ़ता, चला जा, नीचे बढ़ता, 1 2 3 ओके, गणपति बापा बोरिया, मंगल मूर्ति बोरिया। बप्पा का रूप वाकई निराला है, सबकी मुसीबतों का हल भी बप्पा के पास ही होता है, और कृप जब आप बप्पा को इतना दिलो जान से मानते हैं तो बप्पा के साथ ऑडियंस भी आपको खूब सारा प्यार देगी। बस आप लगे रहिए बप्पा की सेवा में।